हेलो गाइस, वेलकम टू आर्टोग्राफी स्टूडियो। आज हम लोग कॉलेज ऑफ आर्ट के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो उसका कल अपडेट आया है उसके बारे में। काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि टेस्ट होगा कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि थ्योरी का टेस्ट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो काफ़ी दिनों से एक पहेली बनी हुई थी कि इसका टेस्ट होगा कैसे होगा। तो कल जो अपडेट आया है उसको देखा हमने और उसके वेबसाइट पे गए। कई लोगों को तो वेबसाइट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वेबसाइट कौन सी होगी, तो मैं आपको सही लिंक दे रहा हूँ इस नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस लिंक पे क्लिक करें और उसके उसमें आपको सबसे पहले दिख जाएगा। आपको लिखना है कॉलेज ऑफ आर्ट। तो कॉलेज ऑफ आर्ट फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ये रही एक्चुअल वेबसाइट। इसमें आप देख सकते हैं एडमिशन एडवर्टीजमेंट 2020 एंड 21। एंड इसमें नोटिफिकेशन जो सब लोगों ने देखा ही होगा, तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टिल लाइफ एंड कॉम्पोजिशन विल बी कंडक्टेड इन द कैंपस फॉर एनी स्पेशलाइजेशन। तो ये इनका नोटिफिकेशन है, यह हिंदी अनुवाद है। फिर आ जाते हैं दूसरे लिंक पे, यह है BFA प्रोस्पेक्टस 2020 एंड 21। इधर देखते हैं कि इसमें क्या जानकारी है हमारे लिए। इसमें तो देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग इसको पढ़ लोगे तो आपको कुछ हमारी ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको गो थ्रू करो अच्छे से। तो ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं इसका कॉलेज में, जिससे आप ग्रेजुएशन करते हैं। फर्स्ट है अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर एंड विजुअल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क के साथ होना चाहिए। इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखना चाहिए 45% इन द एग्रीगेट कंसेशन, 5% मार्क्स, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यहाँ पे आपके काम की चीज़ है। तो ये रहा, यहाँ देख सकते हो इन द एंट्रेंस टेस्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स। तो आपके टेस्ट में जो आने वाला है वो है जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट फॉर ऑल स्पेशलाइजेशन विल बी हेल्ड ऑनलाइन। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन आपको ये जो एग्ज़ाम है वो जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स इसका एग्ज़ाम देना होगा। तो इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इसमें दिया हुआ 85% सिलेक्शन इनटेक शैल बी एलोकेटेड फॉर दिल्ली रीजन एंड 15% सिलेक्शन द आउटसाइड दिल्ली रीजन। दस डिज़ाइन सेंटर्स फॉर फॉलो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा, बनारस, चंडीगढ़, भोपाल, पटना एंड जयपुर। तो दिल्ली के बाहर भी इन्होंने सेंटर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग जो अदर स्टेट से आते हैं तो यहाँ पर भी आपको दे सकते हैं। अब ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेटेज कैसे दिया जाएगा आप लोगों को। तो 60% वेटेज तो आपको दिया जाएगा आपके टेस्ट का जो ऑनलाइन उस दिन लिया जाएगा, जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। और 40% ऑफ वेटेज जो है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पर मिल जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे ही गए होंगे और काफ़ी इस बार तो बिना एग्ज़ाम दिए ही अच्छे मार्क्स आ गए हैं लोगों के। तो अगर आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आए तो कंग्रेचुलेशंस, आपको थोड़ी सी और हाइक मिल जाएगी इसमें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है 60% आपको इसमें ऑब्टेन करना है। और यहाँ पे ये लिखा गया है, ये तो खैर इसका रिजल्ट के बारे में है। एग्ज़ाम आपका 10:30 से 12 तक होगा, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। और टेस्ट में आएगा क्या वो ये है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स फॉर ऑल स्पेशलाइजेशन ऑफ PFA मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको टिक मार्क करना है, या तो तुक्का लगाएंगे या फिर आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप पढ़ के जाइए। विजुअल आर्ट इंक्लूडिंग मेथड इन मटेरियल्स, जो भी हम मेथड मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं आर्ट के लिए, कलर्स कैसे बनते हैं, ये सब तरीके की चीज़ें आप पढ़ लें। पर्सनैलिटीज़, करंट अफेयर इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, तो करंट अफेयर है आर्ट एंड कल्चर से
रिलेटेड भी है हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये सब जो है आपको जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, आपके जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स में। कोई मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाना आपको। बाकी ये कैलेंडर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। ये कितने पेजेस का है आप इसको देख सकते हैं, आई थिंक ये 22 पेजेस का है, तो 22 पेजेस में से आप इसको अच्छे से एक चीज़ पढ़ लेना, ताकि कोई आपको गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना कर लें आप। तो इसके हिसाब से तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, कॉलेज कोला आर्ट, कॉल आर्ट, राइट। इससे पहले हेल्थ दिल्ली गवर्नमेंट NIC है, और ये भी दोनों सेम ही वेबसाइट हैं, डोमेन अलग अलग हैं उनके, तो बिल्कुल सेम है। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं अब। होपफुली आपको ये वीडियो आपके थोड़ी सी हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करा तो आप एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करें इस वीडियो को। इस चैनल पे हम लोग आर्ट से रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल्स भी लेकर आते हैं, आपके कुछ आपको बनाना सीखना है वो भी लाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।